विशाल भंडारा रखा। उस भंडारे में सारे भक्त जनों को साथ ही साथ बाबा भैरवनाथ को भी न्योता दिया। भंडारे में सभी लोग आ गए। एक छोटी सी कन्या के रूप में माँ भी आ गई। भैरवनाथ ने कन्या से कहा, कन्या तुम सबको अपनी इच्छा का भोजन दे रही हो, क्या हमें हमारी इच्छा का भोजन नहीं दोगी? हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हमें वही ला कर दो। भैरवनाथ की बात सुनकर माँ ने इनकार कर दिया और गुस्से में भैरवनाथ ने माँ का हाथ पकड़ लिया। तभी माँ लुप्त हो गई। भैरवनाथ ने माँ का पीछा किया, तभी हनुमान जी ने रोक लिया। भैरवनाथ रुक जा, अंदर जाने का प्रयास मत कर। कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से, मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से, चला जा। रुक जाओ महाबली। आम महेश्वरी, इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं मेरे हाथों होगा। मुझे पापी कहेगा। तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? माँ आप तो ममता मई माँ है, क्षमा की देवी से, हे जगत जननी, हे देवी माँ, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी न कहें। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो माँ। मेरे भक्त, मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे घर पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे तो
तभी उनकी यात्रा सफल होगी। प्रेम से बोलो शेरावाली मैया की। गगन हो